वेलकम टू बनारसी भोज। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पे आज हम बनाएंगे तिलगुड़ के लड्डू। तिलगुड़ के लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और साथ ही उतने हेल्दी भी होते हैं। आप अगर हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएंगे तो लड्डू बिल्कुल भी कड़े नहीं बनेंगे, मुँह में घुल जाने वाले बनेंगे। आप देखिए इसको बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम अपने तिल को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत हल्का सा, केवल गुलाबी भूजना है उसको। तिल को हल्के से भूज लेने से उसमें सोंधापन आ जाता है और जो तिल का ऑयल होता है वो उसका फ्लेवर और निखर के आ जाता है। एक साथ हम अपने सारी तिल को नहीं भूजेंगे, थोड़ी थोड़ी करके भूजनी चाहिए, इससे अच्छे से भून जाती है। यहाँ हमने सफ़ेद तिल प्रयोग किया, आप चाहें तो काले तिल का भी लड्डू इसी प्रकार बना सकते हैं। अब हम अपनी चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए 2 चम्मच पानी डालेंगे और उसमें हम अपने गुड़ को तोड़ के हाथ से ही डाल देंगे। चिक्की या लड्डू के लिए जब हम गुड़ लें तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि गुड़ थोड़े सॉफ्ट हो और कलर में डार्क हो, तो इससे लड्डू कड़े नहीं बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि गुड़ में अब बबल्स उठ रहे हैं। गुड़ बहुत गर्म होता है, इसको हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। और एक बार हम अपने गुड़ को छान लेंगे। कभी कभी गुड़ में कुछ गंदा रहता है, छान लेने से गुड़ एकदम साफ हो जाता है और लड्डू बिल्कुल अच्छे बनते हैं। अभी हमारी चाशनी पूरी तरह से पकी नहीं है, इसके लिए हमने फिर से अपने पैन में छान के चढ़ा दिया है गुड़ को और दोबारा से हम अपनी चाशनी को पकाते हैं। चाशनी को बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए वरना लड्डू सख्त हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि चाशनी में अब बबल्स बन रहे हैं और अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए पानी में हमने 2 ड्रॉप गुड़ डाला। अगर गुड़ पानी में मेल्ट नहीं होता है इसका मतलब है कि अब हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम तिल डाल के अच्छे से मिला लेंगे। लड्डू बनाते समय हमें अपने गुड़ और तिल का रेशियो बराबर रखना चाहिए, इससे लड्डू बहुत आसानी से बनता है और लंबे समय तक चलता भी है। यहाँ हमने 250 ग्राम गुड़ लिया है और 250 ग्राम तिल लिए है। एक दूसरे बर्तन में पलट के थोड़ी सी ठंडी कर लीजिए आप अपनी चाशनी को, बहुत गर्म रहती है इस समय, इसको हाथ से नहीं छुआ जा सकता है। जैसे ही यह 2 मिनट में ठंडी होती है, हाथ में पानी या घी लगा के आप अपने लड्डू बनाइए। बहुत गर्म होता है, इसको गर्म गर्म ही बनाना पड़ता है वरना ठंडा होने पर लड्डू नहीं बनता है। आप इसी प्रकार अपने सारे लड्डू बना लीजिए। जाड़े के दिनों में तिल के लड्डू जरूर प्रयोग करने चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।